नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हनुमान अष्टक। ये बहुत ही खूबसूरत भजन है, सभी मंदिरों में खूब गाया बजाया जाता है, भजन संध्याओं में भी खूब लोग गाते हैं। हनुमान अष्टक, हो सकता है ये शब्द आपके लिए नया हो, इसे मैं पहले अभी गाकर सुना रहा हूं ताकि आपको इसका तर्ज पता हो जाए। स्केल मैंने सी रखा है। गाने का बोल इस प्रकार है। बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। इस गाने की खासियत क्या है कि गाना जब शुरू होता है तो दादरा में शुरू होता है और धा दिन्ना धा तुन्ना धा दिन्ना धा तुन्ना और बाद में बीच में आलाप के बाद को नहीं जानत है जग में ये वाले पार्ट में ताल नहीं है, बाद में कपि संकट मोचन नाम ती यहाँ पर कहरवाता है धाग नतिनक दिन धाग नतिनक दिन धाग नतिनक दिन धाग नतिनक दिन। बाद में फिर यहाँ से जैसे एंड होता है तो बाली को त्रास कपि सब सह गिरी तो यहाँ से डायरेक्ट कहरवा समाप्त होता है और दादरा में एंट्री होती है। तो इसलिए ये गाना मैंने चुना है कि दादरा और कहरवा ये जो दो ताल है बड़ा ही बेसिक ताल है, सभी बिगिनर्स के लिए या एडवांस लर्नर के लिए इस पर अधिकार करना बहुत जरूरी है। तो खूब इसको मंत्र की तरह पहले रट लीजिए, धा दिन्ना धा तुन्ना किसी भी लय में और फिर कहरवा धागे न तीनक दिन। आइए अब इसका फ्लूट लेसन आपके सामने सी नेचुरल पूनम फ्लूट पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तानपुरा मैंने इस बैकग्राउंड में लगा दिया है ताकि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। पूरा पाठ आठ बार ये हनुमान अष्टक में हम बजाएंगे और लास्ट में फिर इसके बाद जो देखिए ये इस तरह से संकट मोचन नाम तिहारो बोल बोलकर इसको खत्म कर देते हैं। तो आइए अब बिगिनर्स लेवल के हिसाब से जो फिंगर्स है वो मैं कोशिश करूंगा आके आपको दिखा सकूं। सा रे गा शुद्ध म प ध शुद्ध नी सा और अवरोह में कोमल नी का भी प्रयोग हो रहा है। आइए पहले इसको दो बार बजा लेंगे। सा रे 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 ग ग म ग रे सा 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 रे 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 ग ग म ग रे सा सा तो हमारा ये दो लाइन कंप्लीट होता है और थर्ड लाइन जब आता है ताहि सो त्रास भयो जग को सा रे 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 ग ग ग म प म ग रे सा सा फिर उसके बाद सा रे 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 ग ग म ग रे सा सा तो हमारे पास चार लाइन कंप्लीट हो गया और बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद जो हमारा पांचवा लाइन आता है वो है देवन आनी करी बिनती ग प प प प सा नी ध प देवन आनी करी बिनती तब छारे दियो रवि कष्ट निवारो। पापा नीधा पामा गरी गामा धन पापा
नी नी सा नी द प। पाधा प नी ध प मा ग रे ग रे सा। ये वाला पार्ट कहरवाम चल रहा है। धागे नते नक दिन, धागे नते नक दिन, धागे नते नक दिन, धागे नते नक दिन, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस लाइन को हमें दो बार लेना। सा 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 रे 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 ग मा प मा ग रे ग रे सा सा। इस तरह से ये पूरा पार्ट हमें आठ बार बजाना है। तो इस आठ बार जब करेंगे तो ये हमारा हनुमान अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये फ्लूट लेसन आपको अच्छा लगेगा। इसमें हनुमान अष्टक में आप खूब अच्छे से बजाएं। मैंने हनुमान चालीसा भी डाल रखा है। कंप्लीट हनुमान चालीसा का फ्लूट लेसन ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको भी देखिए और खूब गाइए बजाइए और महफिल की रौनक बन जाइए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया।